हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह स्टडी सेंटर। टुडे आवर टॉपिक ऑन मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आज के टॉपिक में हम मैक एड्रेस के बारे में जानेंगे और लैपटॉप और मोबाइल का मैक एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि एड्रेसिंग क्या है। एड्रेसिंग एक्चुअली दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है हमारी फिजिकल एड्रेसिंग और सेकंड वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग के मान लीजिए कि मुझे पैकेट भेजना है अपने फ्रेंड के पास। इंडिया में मैं रहता हूँ, खुद मैं रहता हूँ जम्मू में, और मुझे पैकेट भेजना है न्यू दिल्ली में। तो मुझे जो फिजिकल एड्रेस भी चाहिए उसका और लॉजिकल एड्रेस भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल एड्रेस में जैसे क्या आ गया, इंडिया, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि इंडिया एक फिजिकल एड्रेस में आ गया, और सेक्टर 10 साउथ वेस्ट न्यू दिल्ली, उसका हाउस नंबर भी इसमें ऐड कर दूं तो भी ये उसका हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस। तो मुझे अपना पैकेट, जो मुझे कोई डॉक भेजनी है, कोई लेटर भेजना है, तो उसके लिए मुझे दोनों एड्रेस चाहिए, फिजिकल एड्रेस भी चाहिए, लॉजिकल एड्रेस। तो ये दोनों एड्रेस का होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं अपना जो है लेटर है या कुछ डिलीवरी है वो भेज सकता हूँ। तो फिजिकल एड्रेस में हम क्या पढ़ते थे, जैसे फिजिकल एड्रेस में हम 48 बिट का मैक एड्रेस को पढ़ते थे, और लॉजिकल एड्रेस में हम आईपी एड्रेस का 32/64 बिट्स का आईपी एड्रेस पढ़ते थे। आईपी एड्रेस की वीडियो में लास्ट में मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसका बड़ मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस है क्या? मैक एड्रेस जो है हमारा एक फिजिकल एड्रेस है जो यूनिकली होगा हर एक सिस्टम का, हर एक हार्डवेयर सिस्टम जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उनको। मैक एड्रेस में हमारे दो, हम उसमें दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, एक डिवाइस आईडी और एक उसका होता है हमारा जो एनआईसी कार्ड है उसका आईडी नंबर। जिस एनआईसी कार्ड है उनका जो आईडी नंबर है सबका यूनिकली होगा, जो भी नेटवर्क जिसके साथ कनेक्ट है, जो भी हार्डवेयर कनेक्ट है उन सबके साथ एनआईसी कार्ड लगा होगा, और एनआईसी कार्ड के जो है आईडी है वो हमेशा यूनिकली होगी, हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम उसको, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती किसी का भी। तो मैक एड्रेस को पढ़ते हैं। मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच डिवाइस ऑन ए गिवन नेटवर्क। हमने पढ़ ही लिया मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, जो यूनिकली होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर। टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन द टू नेटवर्क, दो नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए उन दोनों का मैक एड्रेस होना बहुत जरूरी है, और मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। वी नीड टू एड्रेस, दोनों एड्रेस चाहिए हमें, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। इट इज असाइन टू द एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑफ ईच डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट स्टैंड फॉर मीडिया असेस कंट्रोल एड्रेस एंड ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस। और हार्डवेयर एड्रेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हार्डवेयर, किसी हार्डवेयर का एड्रेस है तो उसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं और वर्ल्ड इन एड्रेस भी बोलते हैं। इट इज ग्लोबली यूनिक, ग्लोबली यूनिक है मतलब ऑल वर्ल्ड में जो है वो मैक एड्रेस, एक एक सिस्टम का जो मैक एड्रेस हो गया वो कभी भी दूसरे सिस्टम का मैक एड्रेस नहीं हो सकता। एक सिस्टम का मैक एड्रेस उसी का रहेगा, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता, और जो मैक एड्रेस है वो कभी चेंज भी नहीं हो सकता। इट मीन्स टू डिवाइस कैन नॉट हैव द सेम मैक एड्रेस। इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ऑन ईच डिवाइस सच एज 00:0α:95:90:67:16। जो मैक एड्रेस है वो इस फॉर्मेट में रहेगा, आगे मैं बताऊंगा आपको, आपका लैपटॉप का मैक एड्रेस निकाल के दिखाऊंगा, आपके मोबाइल का मैक एड्रेस दिखाऊंगा, तो ये आपको इसी फॉर्मेट में दिखेगा। इट इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है, जैसे हम 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है जो 48 बिट्स का लॉन्ग, 48 बिट्स का होता है, आउट ऑफ विच 24 बिट्स आर यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर से मतलब आप कौन सी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने उसको हार्डवेयर को बनाया है, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट जो इसके 6 हेक्साडेसिमल जो है उनको कवर करता है। आप बोल सकते हैं 24 बिट्स जो फर्स्ट है उनको, उनसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उनसे हम फाइंड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर की
डिवाइस आईडी कि मैन्युफैक्चरर का जो है, कोई किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, वो हम फर्स्ट 24 बिट से पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो 24 बिट्स है वो किसके लिए यूज होती है, एनआईसी कार्ड के लिए यूज होती है, जो जो हमेशा डिफरेंट रहेगी। आपका जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर जो आईडी है वो अगर सेम भी हो सकती है, बट जो एनआईसी कार्ड की आईडी है वो आपकी हमेशा डिफरेंट रहेगी। इट वर्क ऑन द डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। क्यों डाटा लिंक लेयर पे काम किया, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में स्विच क्या काम करता है। स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है और मैक एड्रेस जो है डाटा लिंक लेयर पे काम करती है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द डिवाइस वेंडर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्बेडेड इन दिस एनआईसी व्हिच इज आइडली कैन नॉट बी चेंज्ड। कौन प्रोवाइड करता है इसको, डिवाइस वेंडर कौन है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर के टाइम इसको प्रोवाइड करता है। और जो एनआईसी कार्ड है उसकी जो आईडी है कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो सेम वो वही रहेगी और कभी भी वो सेम भी नहीं हो सकती। द ए आर पी प्रोटोकॉल इज यूज टू एसोसिएट ए लॉजिकल एड्रेस विद ए फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस। द फिजिकल एड्रेस शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ मैनुफेक्चर, ये मैनुफेक्चर की जो आई डी को शो कर रहा है, एम एम सिस्टम, ये इसके सिस्टम आई डी को शो कर रहा है, कि सिस्टम आई डी मतलब एनआईसी कार्ड की आई डी को शो कर रहा है। मैक एड्रेस को मैक एड्रेस को हम फॉर्मली जो है रिप्रेजेंट करते हैं फॉलोइंग फॉर्मेट से। फर्स्ट है हाइफन हेक्साडेसिमल नोटेशन, हम इसको हाइफन से सेपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट 24 बिट्स किसके लिए थी, मैन्युफैक्चरर की, और मैन्युफैक्चरर को हमने किससे सेपरेट किया, हाइफन से। और नेक्स्ट जो 24 बिट्स है वो किसके लिए है, सिस्टम आईडी के लिए, तो सिस्टम आईडी को हमने किसके सेपरेट कर दिया, हाइफन से। तो ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे, एज ए एग्जाम्पल इसे लिखेंगे 00-alpha-83-bravo-1-charlie-0-8-echo, ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम। नेक्स्ट है कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन, कॉलन हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे, कॉलन से सेपरेट करेंगे मैन्युफैक्चरर से एमएम को। मैन्युफैक्चरर को हमने किससे सेपरेट किया, कॉलन से, और सेपरेट इसको भी सेपरेट किया कॉलन से। लिखेंगे कैसे इसको हम, 00:0-alpha:83:bravo-1:charlie-0:8-echo। उसके बाद पीरियड सेपरेटर हेक्साडेसिमल नोटेशन, पीरियड सेपरेटर में हमने क्या किया, तीन तीन हेक्साडेसिमल नंबर को हमने सेपरेट किया फुल स्टॉप से। फर्स्ट सिक्स को मैन्युफैक्चर के लिए रखा और नेक्स्ट सिक्स को हमने हेक्साडेसिमल नंबर को हमने सिस्टम आईडी के लिए रखा। तो लिखेंगे इसको इसी फॉर्मेट में, 000 फुल स्टॉप alpha 83 फुल स्टॉप bravo 13 फुल स्टॉप 08 echo। ये हो गया, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो हमारा मैक एड्रेस है वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। आपको कहीं भी देखोगे, आप किसी भी हार्डवेयर का होगा उसका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस पक्का हो, कंफर्म होगा। और आईपी एड्रेस को और मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए जब हम फाइंड करेंगे उसका, तो ये हमें इसी फॉर्मेट में मिलेगा। पीरियड सेटर हेक्साडेसिमल इज यूज बाय सिस्को, सिस्को ये है इस फॉर्मेट को यूज करता है। और कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन इज यूज बाय लिनक्स ओएस ऑपरेटिंग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसको यूज करता है, कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन को यूज करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। ये जैसे देखिए ओरिएंटेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ये फर्स्ट सिक्स को, फर्स्ट सिक्स हेक्साडेसिमल नंबर को इसने किससे नंबर से डिनोट किया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर नंबर। और नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एसेस। नेक्स्ट जो सिक्स हेक्साडेसिमल नंबर है उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटर एड्रेस, मतलब एक हम एनआईसी जो नंबर जो देते हैं उसको हम इससे हम डिनोट करते हैं। जैसे ये देख लीजिए, एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है हमारे पास, लोकल नेटवर्क की मान लीजिए कि राउटर है हमारा, होम राउटर है, उस एक स्विच का काम कर रहा है वो। इसने क्या किया, उसमें हमारे दो सिस्टम कनेक्ट है राउटर के साथ। मान लीजिए सिस्टम वन ने सिस्टम टू के पास कोई पैकेट भेजना है, तो उसको क्या क्या चाहिए। सिस्टम वन का मान लीजिए आईपी एड्रेस है 192.168.1.15, ये कौन सी क्लास का आईपी आपको पता ही है। सबनेट मास्क इसका क्या था, 255.255.255.0। उसके बाद इसका गेटवे 192.168.1.1। मैक एड्रेस का इसका 00:1F1Foxtrot:19:Bravo Alpha:20:39, ये इसका सिस्टम का आईडी आ गई।
अब ये देखें कि अभी इसने पैकेट भेजना है तो पैकेट में क्या करेगा, वही जो हमने ओएसआई मॉडल या टीसीपी मॉडल में पढ़ा था, पहले वो सोर्स आईडी ऐड करेगा, उसके डेस्टिनेशन एड्रेस से ऐड करेगा। डेस्टिनेशन आईडी पहले आईपी तो इसने ऐड कर ली, पर उसको सोर्स का मैक एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि आपकी नेटवर्क आईडी तो सेम हो सकती है बट जो आपका सोर्स मैक एड्रेस है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। तो उसने सोर्स का मैक एड्रेस भी अपने इसने ऐड किया, और उसके बाद डेस्टिनेशन का भी ऐड किया। करने के बाद उसने पैकेट के ऊपर लगाने के बाद उसको पैकेट को राउटर के पास भेजा। राउटर ने देखा कि ये तो मेरे विद इन नेटवर्क के अंदर ही है, तो उसने राउटर ने क्या किया, वही पैकेट जो है वो कंप्यूटर 2 के पास इसने भेज दिया। उसको देख लिया इसने 192.168.1.15, वही ये यहाँ से सोर्स का आ गया और डेस्टिनेशन का आईपी क्या है, 192.168.1.18, ये भी आ गया। अब इसने मैक एड्रेस डेस्टिनेशन का देखा, 28:18:78:58:64C7, ये इसने मैक एड्रेस का कॉलन इतना एड्रेस देखे इसने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ इसको भेज दिया। तो जो हमारा पैकेट है वो सिक्योरली जिसको हमने भेजना था उसी को मिल गया, हमारा किसके थ्रू, थ्रू मैक एड्रेस के थ्रू। मैक एड्रेस कंफर्मली जो हमारा पैकेट है वो उन्हीं के पास पहुंचाएगा जिसका वो एक्चुअली पैकेट था, जिसके लिए डेस्टिनेशन के लिए हमने भेजा है। मैक एड्रेस में दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैक एड्रेस का ब्लॉक आईडी और डिवाइस आईडी हम बोलते हैं। जैसे ब्लॉक आईडी हम फिर 6 करेक्टर को हम ब्लॉक आईडी बोलते हैं, और फर्स्ट से रिमेनिंग जो 6 हेक्साडेसिमल नंबर है उनको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी हम किसको बोलेंगे, एनआईसी कार्ड को। जैसे एनआईसी कार्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइस आईडी। मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, द ब्लॉक आईडी द फर्स्ट 6 करेक्टर ऑफ द मैक एड्रेस, द डिवाइस आईडी द रिमेनिंग 6 करेक्टर ऑफ द मैक एड्रेस। द ब्लॉक आईडी इज यूनिक टू द मैन्युफैक्चरर। ब्लॉक आईडी किससे किससे रिलेटेड करती है, मैन्युफैक्चरर से, वो सेम होती है, वो हर एक सेम होती है टू द मैन्युफैक्चरर, वो हर एक मैन्युफैक्चरर की ब्लॉक आईडी अलग से होती है। डिवाइस आईडी बेस्ड ऑन द डिवाइस मॉडल, डिवाइस मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है कि डिवाइस आईडी कौन सी है, एंड मैन्युफैक्चर डेट, मैन्युफैक्चर किस मैन्युफैक्चर को उसने ये मैन्युफैक्चर किया है जो डिवाइस, उस मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करती है कि उसका जो डिवाइस आईडी क्या होगी। अभी हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है, कंपनीज है, उनकी जो डिवाइस आईडी वो क्या है, जो किस फॉर्मेट में मिलेगी आपको। आपको जैसे फर्स्ट वाली हम देख सकते हैं ये अतारी कॉर्पोरेशन की है, सेकंड जो है डेल की है, थर्ड जो है वो आपकी एप्पल की आ गई, एप्पल का आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, तोशिबा का इसी फॉर्मेट में मिलेगा, एचपी कंपनी का है वो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, सिस्को सिस्टम का है तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, जूनीपोर का है नेक्स्ट, फिर नॉटल का, अर्तरान का और इंटेल कॉर्पोरेशन का। फर्स्ट जो 6 हेक्साडेसिमल नंबर है जो मैन्युफैक्चर की 24 बिट फर्स्ट है, उनको देख के, उनको आप देख के कैसे फाइंड कर सकते हो कि जिसका मैन्युफैक्चरर आईडी क्या है। आगे आगे देखेंगे हम कैसे इसको फाइंड करते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो किसी भी मैन्युफैक्चर का, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का मैन्युफैक्चर कंपनी या मैन्युफैक्चर डिवाइस आईडी को। अभी आप देखते हैं कि अगर हमने मैंने अपने सिस्टम का अगर मैक एड्रेस पता करना है तो कैसे पता करूंगा। हम रन में चले जाएंगे, उसमें सीएमडी टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो खुलने के बाद हम क्या टाइप करेंगे इसमें, आईपी कॉन्फिगर ओब्लिक ऑल। जैसे हम आईपी कॉन्फिगर ओब्लिक ऑल टाइप करेंगे और इंटर मारेंगे, जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसमें देखो हमारा फिजिकल एड्रेस क्या दिखा रहा है, हमारा 00-04-29-5D-71-Alpha-Delta, ये इस प्रकार की हमारा फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस में हमारा ये हमारा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यूनिकली है। फिजिकल एड्रेस में फर्स्ट 24 बिट से वो है डिवाइस आईडी को शो करेगा, और नेक्स्ट जो है वो आपकी एनआईसी कार्ड की आईडी को शो करेगा। उसमें और भी देखते थे जैसे फिजिकल, जैसे आईपी वर्जन 4 है आपका, उसका आईपी वर्जन 4 का आपका एड्रेस, इसमें आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.1.145.170.131, और उसका सबनेट मास्क भी लिखा हुआ है 2552.255.255.0।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से हम अगर देखते हैं कि कोई आईपी ड्रेस, कोई मैक एड्रेस को पता करते हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको आपको मोबाइल से करके दिखाता हूँ। फाइंडिंग द मैक एड्रेस ऑफ योर एंड्रॉयड मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का है, हम मैक एड्रेस फाइंड करेंगे तो फर्स्टली हम चले जाएंगे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद हम चले जाएंगे सेटिंग बटन में। सेटिंग में जाएं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस खुलेगा, उसमें हम चेक करेंगे अबाउट फोन। अबाउट फोन में जाने के बाद जैसे हम अबाउट फोन को करेंगे तो स्टेटस और हार्डवेयर इंफॉर्मेशन का एक कॉलम आएगा, उसको हमने क्लिक किया तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसमें हम क्या लिखा होगा, वाईफाई मैक एड्रेस, आपका ईएमआई नंबर भी लिखा होगा, स्लॉट 1 स्लॉट 2 भी लिखा होगा उसमें, और ब्लूटूथ मैक एड्रेस भी लिखा होगा। आप देखते होंगे उसमें कि वाईफाई मैक एड्रेस और ब्लूटूथ मैक एड्रेस का जो फर्स्ट 24 बिट है वो सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस आईडी। उस डिवाइस आईडी को मैं एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डिवाइस आईडी को उसमें क्लिक करोगे, टाइप करोगे तो जैसे फाइंड में क्लिक करोगे तो आपके पास जो आपकी मैन्युफैक्चर कंपनी है उसका नाम निकल के आ जाएगा। आप एप्पल में, हम एप्पल ओएस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं मैक एड्रेस को, तो सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने पर जनरल, देन अबाउट, उसके बाद हमारे पास ये हमारा वाईफाई एड्रेस मैक एड्रेस निकल के आ जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि मोबाइल में कैसे करते हैं और लैपटॉप में कैसे फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए मेरे, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फायरवॉल के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।